नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था किनशिप क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ किनशिप, डिग्री ऑफ किनशिप, इंपॉर्टेंस ऑफ किनशिप एंड फंक्शंस ऑफ किनशिप। तो इस लेक्चर में हम आपके साथ किनशिप की अदर टर्म्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपके साथ डायमेंशन ऑफ किनशिप सिस्टम, इसमें हम किनशिप टर्म्स, क्लासिफिकेटरी सिस्टम और डिस्क्रिप्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद रोल ऑफ डिसेंट में हम पैट्रिलिनियर डिसेंट, मैट्रिलिनियर डिसेंट और बायलैटरल डिसेंट को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है डिसेंट की, किनशिप ग्रुप्स क्या होते हैं, फैमिली, लीनेज, क्लब, इनकी डेफिनेशंस आपको बताएंगे। देन किनशिप के यूजेज, अवॉइडेंस, जोकिंग रिलेशनशिप, टेक्नोनमी, एवेंकुलेट, एमिटेट, कोवुलेट, ये सब हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डायमेंशंस ऑफ किनशिप सिस्टम। किनशिप की दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो डिफाइन करती है किन मतलब फैमिली या रिलेटिव्स का जो रिलेशन है उसको डिफाइन करती है। ये दो टर्म्स, पहली है क्लासिफिकेटरी सिस्टम, सेकंड है डिस्क्रिप्टिव सिस्टम। नाउ यू हैव टू रिमेम्बर दैट बोथ क्लासिफिकेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव सिस्टम्स आर गिवन बाय ल्यूस हेनरी मॉर्गन, हु इज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू डू अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ किनशिप। नाउ व्हाट इज क्लासिफिकेटरी सिस्टम? ल्यूस हेनरी मॉर्गन सेज किनशिप टर्म्स आर एवोल्यूशनरी इन नेचर। क्लासिफिकेटरी सिस्टम वॉज फाउंड इन प्रिमिटिव सोसाइटीज। इन दिस सिस्टम किन्स आर इंक्लूडेड इन वन कैटेगरी एंड रेफर्ड अंडर सेम टर्म्स। ये जो क्लासिफिकेटरी सिस्टम है इसमें हम कॉमन टर्म यूज करते हैं डिफरेंट किन्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल द कॉमन टर्म अंकल इज यूज टू डेजिग्नेट चाचा, मौसा, मामा, ताऊ, फूफा एक्स्ट्रा, जिसे हम एल्डर्स, फादर, ब्रदर भी कहते हैं। उन सबको हम एक टर्म से बुलाते हैं जो है अंकल। उसी प्रकार से जो मदर है और उनकी सिस्टर है, इस क्लासिफिकेटरी सिस्टम में हम दोनों को मदर ही कहते हैं। उसी तरह जो फादर की भी सिस्टर है उसे भी मदर ही कहा जाएगा। बट डिस्क्रिप्टिव सिस्टम जो है उसमें ऐसा नहीं होता है। जो डिस्क्रिप्टिव सिस्टम है वो मॉडर्न सोसाइटीज में आता है। इस सिस्टम में एक टर्म यूज करी जाती है पर्टिकुलर एक रिलेशन के लिए। अंडर दिस टर्मिनोलॉजी एंड एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन टू पर्संस इज हाइलाइटेड। फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश नोमेनक्लेचर द टर्म फादर एंड मदर आर डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, वेयर इन हिंदी देयर आर मेनी डिस्क्रिप्टिव टर्म्स विच डिपिक्ट एग्जैक्ट रिलेशन लाइक मामा, भतीजा, मौसा, बांजा, ताऊ, भाभी, देवर, साला, बहनोई, नंदोई एक्स्ट्रा। तो इस सिस्टम में डिस्क्रिप्टिव में ये है जो फादर है उसे फादर ही बोला जाएगा, मदर को मदर ही बोला जाएगा, मामा को मामा ही बोला जाएगा, मौसा को मौसा ही बोला जाएगा। ये जो टर्म है इसमें एग्जैक्ट रिलेशन हम बताते हैं टू पर्सन के बीच, और एक टर्म ही यूज की जाती है एक रिलेशन के लिए। नाउ द किनशिप सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स विच आर ब्रीफली एक्सप्लेन बिलो। रूल ऑफ डिसेंट, जिसे हम कहते हैं वंश का नियम। डिसेंट मतलब वंश, रूल मतलब नियम। डिसेंट रेफर्स टू अ सोशल रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल। अब रूल ऑफ डिसेंट में होता क्या है, ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है जिससे हम ट्रेस करते हैं इंडिविजुअल के वंश को। किसी भी इंडिविजुअल के डिसेंट को ट्रेस करने के लिए तीन बेसिक टाइप्स के डिसेंट हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट है पैट्रिलिनियर डिसेंट, सेकंड है मैट्रिलिनियर डिसेंट और तीसरा है बायलेटरल डिसेंट। पैट्रिलिनियर डिसेंट मतलब फादर के साइड से हम उसके वंश को ट्रेस करेंगे। सेकंड है मैट्रिलिनियर डिसेंट मतलब मदर के साइड से उसके वंश को ट्रेस करेंगे। बायलेटरल मींस हम बोथ लाइंस को लेके ट्रेस करेंगे, चाहे वो फीमेल साइड से हो या मेल साइड से हो, हम बोथ साइड से वंश को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब पहली कैटेगरी है पैट्रिलिनियर डिसेंट। अकॉर्डिंग टू दिस रूल डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू द फादर्स और मेल लाइन। हियर द डिसेंट क्राइटेरिया इज रिस्ट्रिक्टेड टू मेल्स एंड ओनली डिसेंट्स ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर इन द मेल लाइन विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज किन। जो मेल लाइन से कॉमन एंसेस्टर्स हमें मिलेंगे उसे ही हम किन रिकॉग्नाइज करेंगे, और इसे हम क्या कहते हैं, एग्नेटिक और पैट्रिलिनियर किन। सेकेंड है मैट्रिलिनियर डिसेंट। हेयर द डिसेंट ऑफ द इंडिविजुअल इज ट्रेस्ड थ्रू द मदर और फीमेल एक्सक्लूसिवली, द डिसेंट्स आर कॉल्ड मैट्रिलिनियर किन। द टू मोड्स ऑफ ट्रेसिंग द डिसेंट आर कॉल्ड यूनिलिनियर, दे सिलेक्ट वन लाइन ओनली आइदर द मेल और फीमेल। अब ये जो दोनों डिसेंट है पैट्रिलिनियर और मैट्रिलिनियर, इन्हें हम यूनिलिनियर भी कहते हैं। जब हम किसी एक पर्टिकुलर लाइन को पकड़ के हम किन्स को ट्रेस करते हैं
उसे हम यूनिलीनियर भी कहते हैं। देन थर्ड वन इज बायलैटरल डिसेंट। दिस इज अ रूल इन विच द डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू बोथ द लाइंस, द फीमेल लाइन एंड ऑल्सो द मेल लाइन फॉर सम और द अदर पर्पस। इसमें हम दोनों लाइंस को लेके ट्रेस करते हैं किन्स को। वट इज इंपॉर्टेंट हियर इज दैट ऑलमोस्ट ऑल किनशिप सिस्टम रिकॉग्नाइज बायलैटरल रिलेशनशिप्स, दैट इज रिलेशनशिप टू बोथ मैट्रिलिनियर और पैट्रिलिनियर किन्स। एग्जाम्पल जैसे सम सोसाइटीज सच एज याको नाइजीरिया के यूटिलाइज करते हैं मैट्रिलिनियर डिसेंट को फॉर सम पर्पसेस, और किसी और पर्पस के लिए वो पैट्रिलिनियर डिसेंट से ट्रेस करते हैं वंश को। अब इम्पोर्टेंस क्या है रूल ऑफ डिसेंट की। द रूल ऑफ डिसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू मेन रीजंस। पहला रीजन है जो रूल ऑफ डिसेंट है वो एस्टैब्लिश करता है हर एक इंडिविजुअल के लिए एक नेटवर्क ऑफ सोशल पोजीशंस जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सका है, उसे अपने कर्तव्य और अधिकारों का पता चलता है। रूल ऑफ डिसेंट डिफाइन करता है कुछ अधिकार मतलब राइट्स जो हमें जन्म के साथ ही मिलते हैं, और ये जो राइट्स होंगे ये आपको आपके स्टेटस की वजह से ही मिलेंगे। किनशिप ग्रुप्स, किन रिलेशनशिप आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल। जो किन रिलेशनशिप होते हैं जैसे दादा के बाद उसके बेटा, बेटा के बाद उसके पोता, जो ये स्टेटस होता है फैमिली का और जो उसकी प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफर होती है वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, उसके लिए किन रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी तरीके से जो इफेक्टिव सोशल ग्रुप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में फॉर द पर्पज ऑफ कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अगर एक पर्सन को ये सारे बेनिफिट्स आइडेंटिफाई करने हैं इन द फॉर्म ऑफ डिसेंट, उसके वंश के फॉर्म में, उसको ट्रेस करना पड़ेगा रिलेशनशिप को। तो उस रिलेशनशिप को ट्रेस करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स समझने होंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है फैमिली। सो वी कैन स्टार्ट विद फैमिली। फैमिली एक स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट है, बनता है वो ग्रुप ऑफ पीपल से जो एक साथ जुड़े होते हैं आपस में ब्लड रिलेशन से, और वो सब एक ही घर में रहते हैं। मेनली फैमिली कंप्राइज होती है पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन से। सेकेंड वन इज लीनेज। इट इज अ लाइन ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ कॉमन एंसेस्टर्स मेनली फ्रॉम द यूनिलैटरल मेल लाइन और फीमेल लाइन डिसेंट ग्रुप। लीनेज, लीनेज का मतलब है एक लाइन ऑफ डिसेंडेंट्स जो हमारे कॉमन एंसेस्टर्स से चली आ रही हो, चाहे वो मेल लाइन हो या फीमेल लाइन हो, चाहे वो मदर के साइड से हो या फादर के साइड से हो। थर्ड वन इज क्लैन और सिप। एक क्लैन एक ग्रुप है जिसमें उसके मेंबर्स बिलीव करते हैं कि उनके कॉमन सिस्टर है, बट वो उस रिलेशनशिप को जीनोलॉजिकली ट्रेस नहीं कर पाते हैं। अमोंग द हिंदूज दिस कैटेगरी इज नोन एज गोत्रा। हिंदूज में इस कैटेगरी को गोत्रा भी कहते हैं। अब लीनेज और क्लैन में क्या फर्क है। जो लोग होते हैं सिमिलर लीनेज के उन्हें पता होता है कि उनके एक्चुअल एंसेस्टर कौन है, बट जो क्लैन है उसमें पर्सन को ये नहीं पता होता है कि उसके एक्चुअल एंसेस्टर कौन है। जस्ट वो एक बिलीव करते हैं, क्लेम करते हैं, बट जब ट्रेस करने की बात आती है वहां पे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। जो लीनेजेस है वो फैमिलीज ऑफ पीपल है, और जो क्लांस है वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है जो शेयर करते हैं कल्चर और कॉमन सोशल आइडेंटिटी। दोस्तों आपको क्लैन और लीनेज में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फोर्थ वन इज फ्रेटरी। फ्रेटरी क्या होता है। जैसे बहुत सारे कॉलेजेस मिलके एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं, उसी प्रकार जो फैक्ट्री है वो कंपोज होती है दो या दो से ज्यादा क्लैंस को मिलके। दो या दो से ज्यादा क्लैन जो यूनिलैटरल डिसेंट ग्रुप के होते हैं उससे कौन सी टर्म बनती है, फैक्ट्री। फिफ्थ वन इज मोइटी। मोइटी जो है वो बिगेस्ट किनशिप ग्रुप है। हाफ ऑफ सोशल ग्रुप जब स्प्लिट होता है सोसाइटी में उसके डिसेंडेंट के बेस पे मोइटी बनता है। मोइटी मींस जब डिसेंट डिवाइड होते हैं टू मेन डिविजन्स में। अगर हम साइज को लेके किनशिप ग्रुप की स्टडी करें तो इसमें फैमिली जो है वो स्मॉलेस्ट सोशल ग्रुप है सोसाइटी में, और वहीं पे मोइटी जो है लार्जेस्ट सोशल ग्रुप है सोसाइटी में। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबा होने के कारण हम अपने लेक्चर को यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे किनशिप यूजेजेस, जिसमें हम कवर करेंगे अवॉइडेंस, जोकिंग रिलेशनशिप, टेक्नोनॉमी, अवंकुलेट, एमिटेट, कोवेट। ये सारी टर्म्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हम JKSSB मेडिकल सोशल वर्कर की प्रिपरेशन करा रहे हैं, और इसके अलावा अगर आप सोशियोलॉजी UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।